हमारी जिंदगी में बीमारियों का संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। तरह तरह की बीमारियों से हम घिर जाते हैं और ऐसी ही एक बीमारी है सोराइसिस। सोराइसिस की शुरुआत मनुष्य के सिर में रूसी के रूप में और एक छोटे से लाल दाने के रूप में होती है। सोराइसिस के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है, रोग इससे दब तो जाता है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। मगर जब सोराइसिस उभर कर सामने आता है तो ये हमारी सुरक्षा कवच चमड़ी को हमारे तन से अलग करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस एड्स और कैंसर की तरह लोगों तक पहुंच नहीं पाई, जिससे इस खतरनाक बीमारी को मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं। आगे चलकर ये और भी खतरनाक रूप ले लेती है। ARC आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल फॉर सोराइसिस, थाना जिला वसई ईस्ट, महाराष्ट्र में स्थित भारत का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां आप अपने किसी भी प्रकार के चर्म रोग का इलाज इस विश्वास के साथ करवा सकते हैं कि आपकी ये बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। भारत को सोराइसिस से मुक्त करने का सपना लेकर डॉक्टर A.L. अंबलकर ने 50 साल पहले आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उनके सपने को पूरा करने का जिम्मा लिया है उनके सुपुत्र ने। ये हैं डॉक्टर अंबलकर और ये डॉक्टर अंबलकर के सुपुत्र डॉक्टर प्रमोद अंबलकर, जो ARC में आने वाले हर मरीज की व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर उनका सही सही मार्गदर्शन करते हैं। सोराइसिस की जड़ तक पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति के शरीर से इसे हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपने इसका इलाज नहीं किया अभी तक? ऐसे दवा डॉक्टर किया कुछ ना कुछ, आयुर्वेदिक वगैरह पहले इलाज किया आपने? सोराइसिस किसी की उम्र देखकर नहीं आता, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। 50 साल पहले एक छोटे से दवाखाने से शुरू सोराइसिस मुक्ति के इस अभियान ने आज एक विशाल हॉस्पिटल का रूप ले लिया है। दूर दूर से आए हुए ये मरीज इस बात की सच्चाई को दर्शाते हैं जो सोराइसिस की चपेट में सालों से हैं, जिन्होंने हर तरह के इलाज करवाए मगर सोराइसिस से मुक्त नहीं हुए और उनकी अंतिम आशा बंधी ARC भवन से। ARC हॉस्पिटल, मे आई हेल्प यू? पहले से बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल पूरी तरह से हाइजीनिक है और एयर कंडीशन है। रोगियों की देखभाल के लिए उनकी सुविधाओं के अनुसार जनरल और स्पेशल वार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। ARC हॉस्पिटल में हर 3 मरीज पर एक डॉक्टर द्वारा समय समय पर जांच की जाती है। मिलते हैं डॉक्टर प्रमोद अंबलकर से और जानते हैं सोराइसिस और उसके उपचार के विषय में। जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, मुझे सोराइसिस हो गया है। बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। एलोपैथी से भी कुछ नहीं हुआ। और इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है। सोराइसिस 9 प्रकार के सोराइसिस होते हैं। प्लाक सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस, कटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, ऐसे 9 प्रकार के सोराइसिस होते हैं। विजुअल प्रोजेक्शन द्वारा आए हुए मरीजों को सोराइसिस
और ठीक हुए मरीजों के अनुभव दिखाए जाते हैं। एआरसी में आने से पहले और इलाज होने के बाद उन्हें कितना लाभ हुआ है, सुनिए इस महिला पेशेंट को, जिसने सभी तरह के इलाज करवाए मगर विश्वास जीता सिर्फ एआरसी हॉस्पिटल और उनकी आयुर्वेदिक दवाई। संस्था के कार्यकर्ता भी पर्सनल रूप से सोराइसिस की संपूर्ण जानकारी देते हैं। आए हुए मरीजों की हर छोटी बड़ी शंकाओं का निवारण कर किस तरह से एआरसी सोराइसिस का इलाज करता है समझाया जाता है। थोड़ी बहुत हेरिडिटरी होने के चांसेस इस बीमारी में है, तो यहाँ पर जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक उपचार है। और यहाँ पर आया हुआ हर एक रुग्ण ठीक होके गया है, सोराइसिस मुक्त होके गया है। कुछ मरीजों में एआरसी में आने से पहले और एआरसी में दाखिल होने के बाद उन्हें कितना लाभ मिला है, अपने अनुभव हमसे बांटें। आकाश अय्यर है, मैं चेंबूर मुंबई से आया हूँ। 10 years back मुझे सोराइसिस हुआ था। तभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सोचा था इट्स अ सल्फर ड्रग प्रॉब्लम टू मी, बिकॉज आई वॉज नॉट फाइन विद सल्फर ड्रग। तो मुझे लगा था कि ये उसका कोई रिएक्शन होगा, बट लेटर वी केम टू नो इट्स सोराइसिस। इसकी शुरुआत स्कैल्प रीजन सरफेस से हुई। मैंने इलाज काफ़ी जगह से करवाया है, सारे ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, इनफैक्ट एलोपैथी होम्योपैथी। एलोपैथी इट वॉज अराउंड 5-6 years, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीन्स फ़ायदा ऐसा था कि जब लेता था इनिशियल स्टेजेस में दवाई तो क्लीन हो जाती थी, फिर उसके बाद थोड़ा जैसे ठंडी में कुछ हो जाता था या वेदर चेंज होते ही या क्लाइमेट चेंज होते ही वापस इफेक्ट हो जाता था। एआरसी आने को बताया था वन ऑफ माय फ्रेंड्स ने, उनकी मम्मी ने करवाया था। एआरसी आने के बाद मुझे यकीन है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बहुत दुख तो होएंगे बड़े लोगों, आप उनके सामने बच्चे को बीमार रहेगा तो अभी इधर आने का बाद थोड़ा मन ठीक रह रहा है। ऐसे सब किट सब अच्छा करते हैं, एकदम हॉस्पिटल पूरा नीटनेस से क्लियर है, एकदम मन एकदम अच्छा लगता है। ये मेरा बेटा है संदीप जायसवाल, मेरा नाम कमल जायसवाल है, मैं इंदौर से आया हूँ। मेरे बच्चे को सोराइसिस है। इस बीमारी का सन 2001 में एहसास हुआ था। इसका काफ़ी एलोपैथिक इलाज करवाया, डॉक्टरी इलाज करवाया और आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कहीं रिलीफ नहीं हुआ। अच्छा, पहले इतना बढ़ा हुआ नहीं था, ये अभी महीने भर से इतना बढ़ा हुआ है। इसका एक जोशी जी करके हैं, वो इनके पेशेंट थे डॉक्टर साहब के, अम्बलकर जी के, तो हम जोशी जी के कहने पर यहाँ आए हुए हैं। तो एआरसी ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट चालू किया है, अभी तो कल ही एडमिट किया है ना, पक्का ये कॉन्फिडेंस है कि ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिख रहा है। इसका तो कहीं इलाज है ही नहीं, यहीं पर ये एहसास हो रहा है कि इधर से अच्छा हो जाएगा। सोरेसिस की शुरुआत अक्सर सर में रूसी के रूप में होती है, आंखों की जलन होना, जोड़ों में दर्द होना। हम लोग इसको अगर सही ढंग से तुरंत इलाज शुरू न करें तो ये रोग फिर ज्यादा बढ़ सकता है। ये दोंडीबा जिसे ऐसी हालत में यहाँ भर्ती किया गया था जब इसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, और एआरसी के उपचार ने इसे एक नया जीवन दिया। मैंने हड्डियों के कई केसेस सॉल्व किए हैं, जैसे कि टूटी हुई हड्डियों को स्टील के रॉड से जोड़ना और हड्डियों की जगह पर रॉड का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। लेकिन बात जब सोरायसिस के ट्रीटमेंट की आती है तो मैं अपने हाथ ऊपर कर लेता हूं, क्योंकि जो काम मैं नहीं जानता उसे मैं क्यों करूं। पेशेंट को अंधेरे में रखकर काम करना मेरे पेशे के खिलाफ है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की एक ऐसी औषधि है जिससे सोरायसिस का 100% ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरी यह गारंटी है उससे आप 100% क्योर हो जाएंगे। आगे आप बताइए। जब डॉक्टर साहब ने मेरे को वहां भेजा एआरसी में, तभी मेरी हालत बहुत गंभीर थी, और वहाँ पर फिर मेरा जब ट्रीटमेंट चालू हुआ मैं एकदम ठीक हो गया। अभी मेरा माँ बाप और मेरा भाई मेरे पे बहुत खुश है,
और अभी मैं भी ठीक हुआ और काम करने के लिए भी जाता है आता है और यहाँ वहाँ घूमता है और मेरा अभी तबीयत बहुत ठीक है और यार दोस्त भी बहुत खुश है और मेरा पूरा गारंटी है सोराइसिस मतलब पूरा ठीक हो सकता है। तो याद रखिए, जब कभी आपके किसी जोड़ों में दर्द हो या आपके सही सलामत हाथ पैर किसी अलग दिशा में चलने लगे, एक छोटी सी बीमारी आपके पूरे परिवार को दर्दनाक बना सकती है, तो भूलिएगा नहीं आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। मेरा नाम राजेश शिरोडकर है, मैं नासिक से आया हूं। ये मुझे कम से कम 12 साल से है। जब ही मैं डॉक्टर के पास गया तभी उन्होंने बताया कि ये सोराइसिस करके बीमारी है आपको। इसकी शुरुआत स्टार्टिंग में बाल में ऐसा रूसी टाइप का हो गया था। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के बारे में मैंने नवभारत टाइम्स पेपर में पढ़ा था। हाँ, बहुत लाभ हो रहा है। अभी 8 दिन से मैं आया, जब ही आया तभी चलने फिरने को होता नहीं था, आता नहीं था मुझे, लेकिन 8 दिन में बहुत फायदा हुआ, चलने फिरने लग गया हूँ। पहले बहुत जगह करवाया ऐसे, फिर 2-3 साल आराम होता था और फिर उसके बाद में वापस पूरे बदन में फैल जाता था। 50,000 से अधिक मरीजों की संपूर्ण जानकारी डेटा एंट्री डिपार्टमेंट में मौजूद है। एआरसी में आने से पहले और एआरसी में उपचार शुरू होने के बाद मरीजों की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए कभी भी आप डेटा एंट्री डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। डेटा एंट्री डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट में नियरली 50,000 से अबव पेशेंट का डेटा विद उनका प्रोग्रेस फोटोग्राफ लोडेड है। जब यहाँ पर पेशेंट आते हैं सोराइसिस या चर्म रोग के, तब उनका स्टेटस देखा जाता है। वो पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, वो मेडिसिन कैसे लेते हैं, डोसेस कैसे लेते हैं, इसका ट्रैक यहाँ पे रखा जाता है। मेरा नाम मोहिनी माथुर है। एक दिन अचानक मेरी स्किन पे एक लाल धब्बा आ गया। मैंने इसे स्किन डिजीज समझकर एक स्पेशलिस्ट से दवाई ले ली। हालांकि ये दब तो गया, मगर कुछ दिनों बाद वैसे ही लाल धब्बे मेरे पूरे शरीर पर फैल गए। मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, मेरे माता पिता और मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मेरे एक दोस्त सुनील ने मुझे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के बारे में बताया और मैंने सोचा जहाँ मैंने इतना इलाज किया वहाँ थोड़ा और सही, और डॉक्टर अम्बलकर जी ने मेरा इलाज शुरू किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और धीरे धीरे मेरे शरीर से सारे दाग चले गए और डॉक्टर साहब ने मुझे जीने की नई राह पे लाके खड़ा कर दिया। और आज वही सुनील मेरा हमसफर है। मैं मोहिनी माथुर से मोहिनी थापर बन गई और ये सिर्फ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अम्बलकर जी की कृपा है। जो एलोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं जनरली उसके अंदर स्टेरॉइड और एंटी कैंसर ड्रग्स जैसी दवाइयां हम लोग सेवन करते हैं सोराइसिस के लिए। ये दोनों दवाइयां सोराइसिस को शरीर के अंदर दबा के रखती हैं और जैसे जैसे हम लोग इसको दबाने की कोशिश करते जाते हैं साथ ही साथ स्टेरॉइड और एंटी कैंसर ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग ना स्टेरॉइड ले सकते हैं ना एंटी कैंसर ड्रग्स ले सकते हैं। और इन दवाइयों को अगर हमने बंद कर दिया तो शरीर के अंदर जो शुरू में बहुत कम मात्रा में जब सोराइसिस था वो इतना बढ़ जाता है कि आपका पूरा बदन सोराइसिस के घेरे में आ जाता है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि सोराइसिस जैसी बीमारी होने के बाद क्या करना चाहिए। अगर शुरू में ही हम आयुर्वेद की तरफ आए तो सोराइसिस इतनी गंभीर और जानलेवा बीमारी नहीं होती है, यही बात लोगों को बताना जरूरी है। मेरी 2 साल की मासूम बच्ची के शरीर पे छोटे छोटे दाने आने लगे, मैं ये देखकर बहुत घबरा गई। इस छोटी सी उम्र में इसे ये क्या बीमारी हो गई है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया। आखिर में क्या करूं क्या नहीं करूं, तब मुझे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला। डॉक्टर अम्बलकर ने जैसे मेरी बेटी को नया जीवन दान ही दे दिया है, आज मैं उसे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। आखिर कोई माँ अपने बच्चे पे किसी का साया पड़े तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो बीमारी क्यों बर्दाश्त कर सकती है। मैं आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपने करियर में कई लोगों की स्किन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया है।
जब अजय मेरे पास आया तो उसे सोरायसिस नामक बीमारी ने घेर रखा था। उसके कई टेस्ट कराए, कई कंपनियों की अलग अलग दवाएं दी, मगर कोई असर नहीं हुआ। मैंने आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के बारे में काफी सुन रखा था कि वहां पर हर चर्म रोग का इलाज शर्ती होता है। तब मैंने अजय को वहां जाने की सलाह दी, मगर ये सोचा कि पता नहीं ठीक होता या नहीं। लेकिन जब एक महीने बाद मैं अजय से मिला तो आई वाज सरप्राइज्ड, ही वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। उसके चेहरे की मायूसी खुशी में बदल चुकी थी। अब तो मैं खुद भी यही सलाह देता हूं कि अगर आप सोराइसे से पीड़ित है तो आप आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में जाएं और इलाज करवाएं। डॉक्टर अंबलकर तो जैसे सोराइसिस के मरीजों के लिए एक भगवान है। हाँ तो डॉक्टर अविनाश, वो जो 30 नंबर बेड का पेशेंट हमारे पास काफी सीरियस हालत में आया था, तो अभी उसकी पोजीशन कैसी है? एआरसी द्वारा मरीजों को दी जा रही सेवा हो या पूरे भारत में फैली अपनी 200 से ज्यादा ब्रांचेस, डॉक्टर प्रमोद अंबलकर अपने जूनियर डॉक्टर से सारी जानकारी हासिल कर और भी बेहतर बनाने के सुझाव उन्हें देते हैं। 200 से ज्यादा हमारी ब्रांचेस हैं। तो सभी ब्रांचेस का डेटा तुम्हारे पास है? जी ये है। अच्छा ये बताओ कि किसी ब्रांच से कोई कंप्लेंट आई है तुम्हारे पास? किसी भी ब्रांच से आज तक कोई कंप्लेंट आई नहीं है। थोड़े दिन पहले पंजाब ब्रांच से एक कंप्लेंट आई थी, तो हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि वो जो पेशेंट था उसने डाइटरी इंस्ट्रक्शंस बराबर फॉलो नहीं किए थे, तो वी हैव गिवन हिम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और अब ये पता चला है कि ही इज नाउ इंप्रूव्ड। हाँ तो मिस्टर अनुपम, हमारे पास इंडिया में अभी टोटल कुल मिला के कितने पेशेंट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है? सर आज ही हमने डेटा चेक किया है तो डेटा के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में 75,000 से ज्यादा पेशेंट को हमने ट्रीट किया है और हमने ये भी देखा है कि उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और हम उनसे ईमेल थ्रू रेगुलरली कॉन्टैक्ट रखते हैं और हमें उनसे काफी अच्छा फीडबैक मिला है। दुनिया का कैसा भी चर्म रोग हो, कैसा भी सोराइसिस हो, एआरसी भवन हॉस्पिटल फॉर सोराइसिस आपको इस बीमारी से मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास करता। सोराइसिस मुक्त भारत का सपना लिए डॉक्टर प्रमोद अंबलकर ने अपने आप को मरीजों के प्रति समर्पित कर दिया है। वे दिन रात इसी प्रयास में रहते हैं कि एआरसी हॉस्पिटल फॉर सोराइसिस में आया हुआ हर मरीज जल्द से जल्द सोराइसिस मुक्त हो। ऐसे डॉक्टर प्रमोद अंबलकर और उनके इस पुण्य कार्य को हम सभी सलाम करते हैं। एआरसी हॉस्पिटल फॉर सोराइसिस, एआरसी भवन, एवरशाइन सिटी, लास्ट स्टॉप वसाई ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र, इंडिया। टेलीफैक्स 250-2464-776, 2464-778। ईमेल drambalkar@yahoo.co.in। वेबसाइट healsoriasis.com। 24-hour emergency call 93201 93201।